जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, वहीं कमला हैरिस जो बाइडेन के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगी। ये पहली बार है कि कोई महिला इस पद को संभालेगी। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कमला हैरिस के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। कमला हैरिस की माँ भारत से थी, वहीं उनके पिता जमैका से। कमला अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुँचने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी हैं। उनका जन्म 1964 में हुआ। उनकी माँ का नाम श्यामला गोपालन हैरिस और पिता का नाम डोनाल्ड हैरिस था। उनके पिता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। माँ स्तन कैंसर वैज्ञानिक रही हैं। कमला हैरिस की माँ अपने पति से सेपरेट हो गई और उन्होंने ही कमला को अकेले पाला। वो भारतीय विरासत के साथ पली बढ़ी। कमला अपनी माँ के साथ भारत भी आती रहती थी। साल 1998 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से कमला ग्रेजुएट हुई। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करी। फिर सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें करियर क्रिमिनल यूनिट की इंचार्ज बनाया गया। कमला हैरिस को साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर चुना गया। इसके बाद कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सेनेटर के रूप में शपथ ली थी। वो ऐसा करने वाली दूसरी अश्वेत महिला थी। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, इंटेलिजेंस पर सेलेक्ट कमेटी, ज्यूरिडिक्शन कमेटी और बजट कमेटी में भी काम किया। उनके भाषणों को काफी समर्थन मिला जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चल रहा था। आशा करते हैं कमला हैरिस से जुड़ी हुई ये बातें आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।